स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। टुडे वी विल कंटिन्यू क्लास 9 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 1 मैन एंड एनवायरनमेंट। अब तक हमने इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एक्सेट्रा। इसका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम वह भी पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हिंदी में वायु प्रदूषण भी कहते हैं। जब एयर या हवा में गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है या जब हमारे एटमॉस्फेयर में अनवांटेड गैसें यानी अवांछनीय गैसों की उपस्थिति बढ़ जाती है तो हम इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन बढ़ने का जो कारण है वो यह है कि कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ यानी कीटनाशकों का हम खेतों में जो प्रयोग करते हैं वह हो गया, केमिकल टेस्ट यानी कि रासायनिक परीक्षण, कूड़ा करकट, डेड ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं के मृत शरीरों से के सड़ने से भी यह उत्पन्न होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इससे जो है ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है और सी लेवल पर में भी 1 मीटर तक पानी के बढ़ जाने का खतरा हो जाता है, जिससे क्या होगा, कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनके डूबने की आशंका भी हो जाती है। साथ ही कोयला तथा खनिज तेल यानी कि मिनरल ऑयल के जलने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में बढ़ने से बर्निंग आइस यानी आंखों में जलन, हॉर्सनेस ऑफ थ्रॉट यानी गले में खराश, रेस्पिरेटरी व लंग डिसीज यानी श्वास रोग व फेफड़ों को भी नुकसान होता है। एयर पोल्यूशन जो है वो एसिड रेन को भी बढ़ावा देता है। साथ ही एयर पोल्यूशन से ओजोन जो लेयर है हमारी उसमें भी होल के बड़े होने का खतरा हो जाता है। एसिड रेन को हिंदी में अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलकर के वहाँ पर जो वाटर वेपर होती है उनके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। यह एसिड जब रेन वाटर यानी कि वर्षा के जल के साथ हमारी अर्थ पर आता है तो हम इसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1873 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किया था। भारत की बात करें तो भारत में आगरा, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के एटमॉस्फेयर में एसिड रेन जो है ऐसी गैसों की मात्रा बढ़ गई है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन से अर्थ का जो हरियाली वाला आवरण है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पेड़ों की पत्तियाँ भी गिरने लगती हैं, पौधों की इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और खेतों की फसलों को भी काफ़ी नुकसान होता है। आपका ओजोन होल सी लेवल से एटमॉस्फेयर में लगभग 20-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक लेयर है। यह सूर्य या सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी पर लिविंग बीइंग यानी कि जीवित प्राणियों की रक्षा करती है। फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों में काम आने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत अधिक उपयोग करने से ओजोन लेयर में होल हो गया है। यह होल सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में देखा गया था। अब यह जो होल है वह साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के ऊपर भी फैल गया है। ओजोन होल में के होने से अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेज फैलती चली जा रही हैं, इससे स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, शरीर की जो है इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की दर में कमी होने से पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जंगल ड्राई यानी सूखने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो हैं वो हीट का कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ पर वापस कर देती हैं, इससे लोअर एटमॉस्फेयर में जो है एक्स्ट्रा हीट जमा होने लगती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। जब नेचुरल वाटर यानी प्राकृतिक जल में अनवांटेड सब्सटेंस यानी अवांछनीय बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं जिससे पानी की प्योरिटी या शुद्धता में कमी आती है, इसे ही हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। खराब पानी या प्रदूषित
जल या पॉल्यूटेड वाटर किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है। वह जैसे कि मानव हो गया, एनिमल्स हो गए, वेजिटेशंस यानी वनस्पति, सी एनिमल्स यानी समुद्री जीव जंतु, और इरिगेशन सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है। वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन होना, पेड़ पौधों की पत्तियां होना, घरों से निकलने वाला कचरा होना, कारखानों से निकलने वाले गंदे पदार्थ, और पानी का समुद्र में या नदियों में जाकर के मिलना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। इसके साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला गर्म पानी भी हमारे सी सरफेस यानी कि समुद्र की सतह पर जाकर के मिल जाता है। इसके साथ ही लीड, मर्क्यूरी, क्रोमियम जैसे पदार्थ भी हमारे वाटर में मिल जाते हैं और वाटर को डिस्ट्रॉय या ख़राब कर देते हैं। इसके कारण इंटेस्टाइन और सेल ऑफ द किडनी जो है हमारी, वह मतलब कि आंतों की बीमारी और गुर्दों की खराब हो जाते हैं, जिससे कि खांसी, जुकाम, पीलिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही पॉल्यूटेड वाटर, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित पानी की वजह से नदियों में जो है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी यानी कि काई बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती हैं, जिसके कारण कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियां एवं जल जीव दम घुटने से मर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉइज पॉल्यूशन। जब कोई ऐसा साउंड जो कि हमारी मेंटल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दे या हमारी दिमागी क्रियाएं जो होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस या विघ्न उत्पन्न करने लगता है, तो इसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज या एक ऐसा अनवांटेड साउंड है, एक ऐसा अवांछनीय साउंड है जो कि एक सामान्य आवाज़ से बहुत अधिक ऊंची आवाज़ को हम साउंड पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज पॉल्यूशन के बढ़ने का कारण है तेजी से जनसंख्या का बढ़ना, इसके साथ ही कारखानों से, रेलगाड़ी से, रोड ट्रांसपोर्ट से, एरोप्लेन से, रेडियो स्पीकर से, पटाखों से भी जो है नॉइज पॉल्यूशन होता है। नॉइज पॉल्यूशन से मनुष्य जो है मनोरोगी यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। इसका जो हमारे मानव मस्तिष्क पर जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है। इससे इरिटेबिलिटी, हेडेक यानी चिड़चिड़ापन और सिरदर्द बढ़ जाता है और यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही यूनिट ऑफ नॉइज इज डेसिबल, इसके कुछ पॉइंट्स हैं देखेंगे उसमें। यूनिट ऑफ नॉइज इज डेसिबल यानी कि जो नॉइज़ को नापने की इकाई है उसे डेसिबल कहते हैं। 66 से लेकर के 75 डेसिबल का जो साउंड होता है उसको नॉर्मल नॉइज कहा जाता है। 140 डेसिबल की जो ध्वनि है वो मनुष्य को पागल बना देती है। इसके साथ ही विश्व का सबसे ज़्यादा शोर जहाँ पे नॉइज़ होता है वह रियो डी जेनेरियो है, जहाँ पर कि नॉइज़ पॉल्यूशन 120 डेसिबल है। फिर एक सर्वेक्षण किया था, एक सर्वे किया था जिसमें कि मुंबई के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण एनेक्सिटी यानी अशांति, तनाव, टेंशन और अनएसीनेस यानी कि बेचैनी से ग्रसित रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉइल पॉल्यूशन। जब भूमि के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अनवांटेड चेंज यानी कि अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है जिससे भूमि की जो फर्टिलिटी है यानी उर्वरा शक्ति और उसका उपयोगिता नष्ट हो जाती है, तो इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक उपयोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण, प्लास्टिक, पॉलीथीन, घरों से निकला कूड़ा करकट, अस्पतालों से निकलने वाला गंदे पदार्थ, खानों से निकलने वाला जो मलबा होता है, ये सब सॉइल पॉल्यूशन के कारण हैं। सॉइल पॉल्यूशन या से कूड़ा करकट जो है हमारे भूमि को या अर्थ को गंदा बनाता है। बेकार पड़े पदार्थों के जमाव से जमने से जमीन जो है अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती। इसके साथ ही भूक्षरण यानी कि सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन और भूमि के धंसने का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसे हिंदी में रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहा जाता है। न्यूक्लियर एलिमेंट्स यानी कि परमाणु तत्वों का जब बहुत सारी जगह उपयोग करते हैं तब रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर के रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पैदा करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट जैसे
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वह न्यूक्लियर प्रोसेस में भी काम आते हैं। ये एलिमेंट्स ही जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण है या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण है। साथ में ही जो परमाणु बमों का निर्माण और इनका जब हम परीक्षण करते हैं तो जिससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन फैलता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से के दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। और इसके साथ ही जो परमाणु परीक्षण करते हैं इसके दौरान बहुत अधिक एनर्जी निकलती है जिस जो कि मनुष्य व जीव जंतुओं की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। स्ट्रॉन्शियम जैसा हार्मफुल रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट कर देता है। जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है वह हमारे शरीर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों में प्रभाव डालता है। इसके साथ ही रेडियोधर्मी जो या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो हवा और गैसों के रूप में हमारी श्वास नली में शरीर में सीधे प्रवेश कर जाती है। फिर थर्ड है कि इनडायरेक्ट रूप में यह हमारी जो फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला है उसके द्वारा भी हमारे शरीर को प्रभावित करती है। फिर लास्ट है कि रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं वो हमारे बोन मेरो को और वाइट ब्लड सेल्स को भी करप्ट कर देती है जिसके कारण कि कैंसर्स और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन उत्पन्न होती है। जब पूरे वर्ल्ड के या विश्व के तापमान में अवांछनीय वृद्धि या अनवांटेड वृद्धि हो जाती है जिसका कि प्रभाव हमारे बायोस्फीयर पर पड़ता है तो हम इसे तापीय प्रदूषण या थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड ये जो है और उद्योगों से छोड़ा हुआ जल, ओजोन होल, वनों में लगी आग और परमाणु परीक्षण ये सब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं जिसके कारण कि अकाल हो जाता है, सूखा, बाढ़, कुओं का और ट्यूबवेलों का सूख जाना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाना, वाटर एनिमल्स का खत्म हो जाना, क्लाइमेट का चेंज होना ये सब और ओजोन का डिप्लीशन ये सब थर्मल पॉल्यूशन के प्रमुख कारण हैं। इन लैंड यूज एंड इट्स इफेक्ट, भूमि के बदलते उपयोग व उसके प्रभाव। हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट या वनों को डिस्ट्रॉय या नष्ट किया जा रहा है। ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए रूरल एरिया को यानी कि गांवों को धीरे धीरे शहरी इलाके बनाते जा रहे हैं। ओपन एरिया यानी कि जो खुला स्थान होता है वो गायब होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली आपूर्ति हो सके। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, नई सड़कों का निर्माण करने के लिए, फैक्ट्रीज के विकास के लिए, इन सब ने भारत में भूमि उपयोग के तौर तरीकों को बदल दिया है। इससे प्राकृतिक संतुलन यानी कि नेचुरल जो बैलेंस होता है वो बिगड़ गया है और डिस्टर्ब हो गया है। बहुत सारे एनिमल्स के रहने के स्थान जो हैं वो नष्ट हो गए हैं और हजारों किस्म के स्पैसीज और एंड फ्लोरा एंड फना यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। ह्यूमन सेटलमेंट और इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी मानव बसाहट और औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ ही इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन यानी कि इन्वायरमेंट के खराब होने का एक कारण है।